आज हमने बिना गैस जलाए सिर्फ 5 मिनट में फ्रेश नारियल की रोल्ड मिठाई बनाई है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है और एकदम सॉफ्ट, नरम, मुलायम, मुंह में घुल जाए ऐसी बनी है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं फ्रेश नारियल की रोल्ड मिठाई। एक कप फ्रेश नारियल की स्लाइस करके ली है। नारियल का हमें ब्राउन छिलका निकाल लेना है, इसके बाद इसकी स्लाइस करनी है। ये एक कप फ्रेश नारियल की स्लाइस है। इसे मिक्सर जार में डाल देंगे, इसकी फाइन पेस्ट बना लेते हैं। नारियल को हमने एकदम बारीक ग्राइंड कर लिया है। एक कप मिल्क पाउडर बाउल में ले लेंगे। फ्रेश नारियल हमने ग्राइंड किया है, ये डाल देंगे। एक चौथाई कप चीनी का पाउडर डालेंगे। चीनी को हमने मिक्सर जार में डाल के पीस लिया था। आधी टीस्पून इलायची का पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसका हमें एक डो बना लेना है। हमने फ्रेश नारियल लिया है तो उसी का मॉइस्चर के वजह से ये डो बन जाएगा। इसका हमने डो बना लिया है। मिठाई का ये मिश्रण थोड़ा ड्राई लगे तो आप 1 टीस्पून दूध अंदर डाल के डो बना सकते हैं। अभी हमें इसमें दूध की जरूरत नहीं है, इसके लिए हम नहीं डाल रहे हैं। इसका हम 2 हिस्सा कर लेंगे। एक हिस्सा हम उठा के बाजू पे रख देंगे। इसमें हम 1 टेबलस्पून पिस्ता का पाउडर डालेंगे। यहाँ पे हम पिस्ता का फ्लेवर दे रहे हैं। अगर आपको पिस्ता का फ्लेवर नहीं देना है तो आप रोज एसेंस डाल सकते हैं और रेड फूड कलर डाल सकते हैं। अगर केसर का फ्लेवर देना है तो आप केसर को थोड़ा सा दूध में मिला लीजिए और वो डाल दीजिए तो केसर का फ्लेवर वाला बन जाएगा। लिक्विड ग्रीन कलर का 4 से 5 ड्रॉप डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे। इस तरह से राउंड बॉल बना लेते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल लिया है, इसके ऊपर हम घी लगा लेते हैं। इसका हम रोल बना लेंगे। इस तरह से लंबा रोल बना लेते हैं। इसके ऊपर वापस घी लगाएंगे और ये दूसरा पार्ट हमने रखा है, इसे हम थोड़ा बेल लेंगे। बेलन के ऊपर भी घी लगा लेंगे। इस तरह से इसे बेल लेते हैं। इसे मैंने अच्छे से बेल लिया है। ये ग्रीन कलर का रोल हमने बनाया है, ये इस तरह से ऊपर रख देंगे और एल्युमिनियम के फोल्ड के साथ ही हम इसे रोल करेंगे। इस तरह से टाइट रोल करना है हमें और फॉइल पेपर को हम इस तरह से निकालते जाएंगे। इस तरह से हमें रोल कर लेना है और इसे अच्छे से चिपका लेना है। इस तरह से घुमा के रोल को थोड़ा टाइट कर लेंगे। एल्युमिनियम फॉइल हटा के इसे हम चॉपर पे भी इस तरह से रोल कर सकते हैं। रोल हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, इसे थोड़ा मोटा ही रखना है। रोल को हमने एल्युमिनियम फॉइल पे ले लिया है वापस। अभी हम इसे लपेट लेते हैं इस तरह से। इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि रोल अच्छे से सेट हो जाए। रोल को हमने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। 1 घंटा हो चुका है तो इसे अभी हम खोल के देख लेते हैं। ये अच्छे से सेट हो गया है। मेरे पास ये सिल्वर वर्क है तो इसे हम रोल के ऊपर लगाएंगे। आपके पास अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं।
इस तरह से इसे हम लगा लेंगे। आपके पास अगर सिल्वर वर्क नहीं है तो आप इसके बदले में डेसिकेटेड कोकोनट से रोल को कोट कर सकते हैं, या फिर पिस्ता को बारीक चॉप करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। रोल को कट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं रोल कितना अच्छे से कट हो रहा है। फ्रेश नारियल की रोल्ड मिठाई रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ में।